एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर यस जो सिंपल पेंडुलम होता है सर, उसके मेटल टिप को क्या कहते हैं? बॉब, BOB बॉब बोलते हैं उसको, ठीक है। सपोज करो, देखो ये एक पेंडुलम है जहां पे पेंडुलम फिक्स होता है, ठीक है। ये उसका थ्रेड होता है और सबसे नीचे में ये जो गोला टाइप का होता है, ठीक है, ये होता है मेटल से बना हुआ, इसी को हम लोग बॉब बोलते हैं। इट इज क्लियर? यस सर वो सर। बोले एस ए से बी आता है, फिर बी से ए जाता है, हाँ तो सर बार बार उसको काउंटिंग करना पड़ेगा तभी टाइम पता चलेगा। हाँ वो उसको काउंट करता है, जो आपका वॉच है ना, वो उसको काउंट करता है, उस ऑसिलेशन को। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये इसका मेन पोजीशन है, और द वर्ड ऑसिलेशन मींस दैट द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स एनी ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजिशन। मतलब क्या? जैसे देखो जो ये है ना, एक बार इधर गया फिर यहाँ आया, फिर इधर गया फिर यहाँ आ गया, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ वन ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। इधर ये मैक्सिमम पॉइंट को रीच किया, फिर इधर मैक्सिमम पॉइंट को रीच किया, फिर अपने मेन पोजिशन पे आ गया। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इसके पास रिस्टोरिंग एनर्जी होगा। आज आप लोग घर पे जाना क्या करना, कोई गोला टाइप का ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको थ्रेड से बांध यस लेना। अगर नहीं होगा तो नट, देखो नट, यस सर देखे हैं नट को थ्रेड से बांध है भी। और उसको एक पॉइंट से ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका यस फिक्स रिजिड, जो फिक्स पॉइंट हो गया, और यहां से उसको थ्रेड से कनेक्ट कर देना नट को, और नट को क्या करना, इस तरह से उठा के यहाँ पे लाके छोड़ देना। देखना कि नट एक पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा, यस सर ठीक है। तो जब एक बार वो कहाँ जाएगा, अपने लेफ्ट डायरेक्शन में अपने मैक्सिमम पॉइंट को रीच करेगा, उसके बाद क्या आएगा, यहां से वो फिर रिटर्न होगा और मेन पोजीशन को पे जाएगा। फिर मेन पोजीशन से क्या हुआ, ये राइट डायरेक्शन में अपने मैक्सिमम पॉइंट को रीच करेगा और फिर यहां से यहां आएगा। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इज दिस क्लियर? यस एंड सर गो इन द हायर क्लास, यू लर्न अबाउट द फ्रीक्वेंसी, दैट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सपोज करो ये कोई पॉइंट है जहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड। मानो ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन के अबाउट कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जैसे देखो ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट को रीच किया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर राइट डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट को रीच किया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर इधर गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब तो यहाँ पे कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है? तीन हाउ मेनी ऑसिलेशन इज देयर, टेल मी, थ्री फोर टू कैसे थ्री है बेटा? देखो मैंने क्या बोला, है टू तीन है, टू है। यहां से यहां गया फिर यहां आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, फिर वन इधर गया ऑसिलेशन फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया टू फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया। अब देखो कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। पहला ऑसिलेशन स्टार्ट यहां से गया फिर यहां आ गया, है कि नहीं? ऐसे गया होगा, यस ऐसे आ गया फिर यहां आ गया, ये हो गया फर्स्ट ऑसिलेशन, ये हो गया इसका सेकेंड ऑसिलेशन, ये कितना ऑसिलेशन हुआ, थर्ड ऑसिलेशन। और तो याद रखना,
वन सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया जाता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इज दिस क्लियर? और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं. बात समझ में आई? यस सर. किसी कोई डाउट? नो सर. नो. तो आज देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो डिस्टेंस होता है, हम लोगों ने डिस्टेंस को पढ़ा, हम लोगों ने टाइम को पढ़ा, सॉरी हम लोगों ने मोशन को पढ़ा, हम लोगों ने टाइम को पढ़ा, और आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस? देखो जब आगे क्लास 9 में जाओगे ना, आपको वहां पे डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अलग अलग पढ़ाया जाएगा. अभी आप बस समझो डिस्टेंस क्या होता है. एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर? सपोज करो ये कोई पॉइंट ए है और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, देयर इज चेंज इन पोजीशन. यस सर. हो रहा है. दैट मींस फॉर दिस इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, इफ यू वांट टू ट्रेवल दिस लेंथ, देन फॉर दिस इंटरवल यू हैव टू बी इन मोशन. And when you are in motion, that means your position will change with respect to time. Is it okay? Yes, sir. अब ये बताओ, क्या motion होने के लिए, किसी भी object को motion में रहने के लिए, उसका distance, उसका position हमेशा change करना चाहिए? Yes. तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से यहां तक आएगा, ये लेंथ को कवर करेगा, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर? यस सर. सपोज करो यस पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दो रास्ता है ए से बी जाने का. एक कौन है 3 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, एक क्या है इधर है 5 किलोमीटर. अब बताओ यहां पे मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि प्रिंस है, ये प्रिंस इस रास्ते को कवर किया, तो प्रिंस के लिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर. अगर प्रिंस इस रास्ते को ना ट्रेवल करके वो इस रास्ते को ट्रेवल करता, फिर प्रिंस का डिस्टेंस क्या होता है? 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर. तो जो एक्चुअल ट्रेवल होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल. और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर. ठीक है. और हायर यूनिट क्या होता है? किलोमीटर. किलोमीटर. Is it okay? Kilometer. 1 kilometer is equal to 1,000 meter. Okay? And 1 meter is equal to 100 centimeter. This is for yaad rakhna. Okay? Shall I raise it? Shall I raise it? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का और इस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑन ग्राफ.
ग्राफ को सब जानते हो, मेरा बैकग्राउंड देखो सबको ग्राफ दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है ना सर। पहले ग्राफ में इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक्सिस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करना। कहां पे? ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के पास हमेशा दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। दूसरे एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस होता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। जोर से बोलो, सब बोलो, एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। व्हाट वी कॉल्ड वाई एक्सिस? ऑर्डिनेट। फिर से बोलो, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। इज दिस क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ये। अब देखो जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्टिकल को हम लोग वाई एक्सिस ही बोले, लेकिन अभी आप इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टिकल एक्सिस। इट इज क्लियर? और वर्टिकल लाइन क्या होता है? वर्टिकल, हाँ देखो जो स्टैंडिंग लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस। और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा लाइन होता है, जो लाइन स्लीपिंग लाइन हो, सोया हुआ लाइन हो, ये लाइन क्या हो जाएगा मेरा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। इज दिस ओके? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। इट इज क्लियर? अब देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है। हम लोग किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट को लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। और जो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स एक्सिस कट वाई एक्सिस परपेंडिकुलरली। मतलब क्या, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब देखो इस पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ग्राफ। इट इज क्लियर? यस सर। तो जो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट स्टेप क्या होंगे, ड्रॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इस चीज को ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है इसको इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल में ब्रेक करेंगे। ये दिस ओके? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई एक्सिस को हम लोग भी इक्वल नंबर में ब्रेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
इसी चीज को अभी जो तुम देख रहे हो बोर्ड पे, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज क्लियर? जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना, मतलब इस चीज को ड्रॉ करेंगे. इट इज क्लियर और नॉट? यस सर. अब इस चीज को ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्केल चूज करना. अब देखो मेरे पीछे देखो एक बॉक्स दिख रहा है ना, ग्राफ दिख रहा है ना, कहीं कहीं हर एक बॉक्स में तुमको इस तरह दिख रहा है? यस सर. बॉक्स दिख रहा है इस तरह से? यस सर. हम लोग स्केल चूज करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये एक बॉक्स हो जाएगा ना? नहीं होगा? यस सर. तो याद रखना कि हम लोग स्केल चूज करते हैं कि मेरा वन बॉक्स कितना यूनिट है. सपोज करो यहाँ पे मेरा वन बॉक्स कितना यूनिट है? वन यूनिट है ऑन एक्स एक्सिस. अब मेरा यहाँ पे वन बॉक्स ऑन वाई एक्सिस कितना यूनिट है? वन बॉक्स ऑन वाई एक्सिस, ये भी वन यूनिट है. This is called scaling. ठीक है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. वन बॉक्स इज इक्वल टू टू यूनिट भी ले सकते हैं अगर लार्जर नंबर हो. हम लोग वन बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट भी ले सकते हैं. ठीक है, yes, sir. ये सब करने के बाद, ये सब हो गया, सब हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में. दूसरा स्टेप क्या होगा कि y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो. इज दिस क्लियर? y एक्सिस पे क्या होगा? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एंड x एक्सिस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे. इज दिस क्लियर? यस सर. हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस एंड time is represented on the x axis. Is this clear? Yes sir. Okay. अब ये करने के बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू है तीसरा नंबर, represent the given point. जो point given होता है उसको हम लोग यहाँ पे represent करेंगे. For example, आपको दिया है एक पॉइंट ए, इस और इस पॉइंट का लोकेशन है 3,4. इसका मतलब क्या है, y x एक्सिस पे कितना यूनिट है? सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? x एक्सिस को. तो x एक्सिस पे कितना यूनिट है? 3 यूनिट. और ये 4 क्या है? y एक्सिस के ऊपर है. हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ओरिजिन से 3 एक्सिस मूव करेंगे, कहां पे? पॉजिटिव डायरेक्शन. कहां पे? एक्स एक्सिस में. तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये पॉइंट हुआ. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को. इज दिस क्लियर? यस सर. अब इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट. अब क्या करो, इस 4 के पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इसी तरह 3 के पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3,4. इट इज क्लियर सर? इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन. किसी को ये रिप्रेजेंट करने में दिक्कत है? नो सर. नो सर. अब देखो क्या ग्राफ के ऊपर हम लोग एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे? नो सर. कई सारे बहुत सारे पॉइंट होंगे. जब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करो, सारे पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो. सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ पे एक पॉइंट आया, इस सारे पॉइंट को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो. इट इज क्लियर और नॉट?
तो इसी तरह हम लोग डिस्टेंस और टाइम को क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. किसी कोई डाउट? नो सर. नो. शैल आई रीड इट? प्रिंस. यस सर. यस सर. निहारिका, इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. अब देखो, हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, छोटा सा ग्राफ. यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है. किलोमीटर में डिस्टेंस है और आवर में टाइम है. 3 किलोमीटर 1 आवर, 4 किलोमीटर 2 आवर, 6 किलोमीटर 3 आवर. एक एक बार 5 लिख दो. 6 किलोमीटर 4 आवर एंड 7 किलोमीटर 5 आवर. क्या है ये सारे डाटा गिवन है और इसमें क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है. इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी विल ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. इज क्लियर? यस सर. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ड्रॉ करते हैं. ये क्या हुआ वाई एक्सिस, ये क्या हुआ एक्स एक्सिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब बताओ, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे. यहाँ पे स्केलिंग क्या है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू योर 1 यूनिट on y axis as well as on the x axis. Is this clear? Yes. Okay. अब इस चीज के करने के बाद अब बताओ डिस्टेंस y axis पे होगा या x axis पे? डिस्टेंस y axis पे. y axis पे डिस्टेंस होगा और x axis पे क्या होगा, टाइम? यस सर. देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर स्पीड को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर. ये क्या हो जाएगा, 1.3 होगा. यस सर. पहले हम लोग इसको लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, एक्स एक्सिस को. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, टाइम. पहले क्या लिखाएगा, टाइम. फिर किसको लिखते हैं, वर्टिकल एक्सिस को. और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस क्या है, डिस्टेंस. ये डिस्टेंस हो गया 1.3. इज दिस क्लियर? यस. इस 1.3 को हम लोग इस ग्राफ के ऊपर, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे, 1 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट. क्या करना पड़ेगा मुझे, ये पॉइंट होगा 1 यूनिट का. यस यस सर. अब वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे 3 यूनिट. ये पॉइंट होगा 3 यूनिट का. यस सर. अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे. इज दिस क्लियर? यस सर. और जिस पॉइंट पे ये मैच कर रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1.3. इज दिस क्लियर? यस सर. अब इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ये पॉइंट क्या है, 2.4. 2 मेरा कहाँ पे होगा, इस जगह पे. कहाँ पे होगा, इस जगह पे. हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन क्या होंगे, जैसे मैं 4 पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या होंगे, टाइम एक्सिस के पैरेलल होंगे. और जब हम लोग 2 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल होगा. और ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2.4 को. इट इज क्लियर? अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, कैसे करेंगे, 3.5.
तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे कितना 5 यूनिट, ये पॉइंट होगा। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर एक 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, और जिस पॉइंट को ये कट किया ये क्या हो जाएंगे 3.5। इसी तरह 6.4 को ड्रॉ करोगे, इसी तरह 7.5 को ड्रॉ करोगे, 5.7 को ड्रॉ करोगे। लास्ट स्टेप क्या होता है, इस सबको एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर दो, इट इज ओके। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, इट इज ओके और नॉट। यस सर। यस सर। यस यस सर। अब देखो एक चीज ध्यान देना, जी जब तुम पॉइंट को मिलाते हो, अगर तुमको ये ग्राफ, ये जो लाइन है ये देख रहे हो, ये लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन आता है ठीक है, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन होगा। इज दिस क्लियर? यस। तो मोशन जब भी ग्राफ को देखोगे अगर स्ट्रेट लाइन हो, हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। किसी कोई दिक्कत? अगर मान लो कोई ग्राफ यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है? तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म होगा। अगर मानो ये स्ट्रेट ना हो के कुछ इस तरह का कर्व होता या इस तरह का कर्व होता, ये दोनों क्या, ए और बी क्या स्ट्रेट लाइन है? नो सर। ये कैसा लाइन है, कर्व लाइन है। और जब ग्राफ के ऊपर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर कोई कर्व लाइन हो, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब देखो कभी कभी क्या देखोगे कि जो ये ग्राफ होंगे, ये जो लाइन होंगे, वो कभी टाइम एक्सिस के पैरेलल होंगे, कभी वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, मतलब कभी डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई इस तरह का ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ किसके पैरेलल है, ये ग्राफ किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना। अब देखो यहां पे इस ग्राफ को देखो, इसका मतलब क्या है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या टाइम के इंक्रीज करने के साथ डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है? यस। डिस्टेंस बेटा कैसे इंक्रीज करेगा, जब आप ऊपर बढ़ो, जैसे इसमें देखो क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, इंक्लाइन एट सम एंगल। क्या यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है? यस सर। कैसे बढ़ रहा है बेटा, डिस्टेंस तो टाइम ही रह रहा है, एट ही रह रहा है हर जगह। इसका लोकेशन कैसा होगा, मानो इस पॉइंट को, यहां पे क्या होगा 1.8, मान लो यहाँ पे क्या होगा इस पॉइंट पे 4.8, मान लो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हो जाए तो 8.8। अब देखो यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, टाइम को। सबसे पहले ये किसको शो कर रहा है, टाइम को। ये किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को। तो हर एक पॉइंट पे देखो क्या है, टाइम यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हर केस में हर पॉइंट पे 8 है। कब, जब कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इट इज ओके। अब टाइम इंक्रीज होने के साथ अगर डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज ना करे, हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट किस में होता है, रेस्ट में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। इट इज क्लियर? यस सर। Shall I erase it? Yes. Yes.
अब जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, बताओ ए क्या होगा? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ए अगर ए क्या शो करेगा, ये ग्राफ क्या शो करेगा? ए वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट 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 में। में, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो एक्सिस, ये जो लाइन है, ये क्या है? टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल पैरेलल है। टाइम जब टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल, मतलब क्या? टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट पे है। ये क्या होगा? रेस्ट या मोशन? रेस्ट पे। अब सी क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ये सी वाला कर्व। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। डी 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 क्या होगा? यूनिफॉर्म ई क्या होगा? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। फिर एफ क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ठीक यूनिफॉर्म। अभी और ए बी सी डी, अब बताओ ए से बी क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? यूनिफॉर्म। बी से सी, ए से बी यूनिफॉर्म मोशन को कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। बी से सी यूनिफॉर्म मोशन हाँ? रेस्ट रेस्ट या स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे रुका होगा। सी से डी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म। चलो समझ में आ गई। अब देखो इस तरह का कोई ग्राफ हम लोग को मिल रहा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये जो एंगल देख रहे हो ना, किसके साथ? टाइम एक्सिस है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इट इज क्लियर? और यही चीज जो है स्लोप कहलाता है, जो इसका स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ दिस कर्व। ये जो लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन का स्लोप, ये क्या होगा? स्लोप होगा ना। तो स्लोप, यस स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये क्या शो करता है? ये स्पीड को शो करता है। इट इज ओके। हमेशा यस सर याद रखना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट स्पीड। इट इज क्लियर? और स्लोप बराबर होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, देखो इसको यहां से मिला तो ये एक ट्रेंगल बन गया। अब ये इसका क्या परपेंडिकुलर, ये क्या इसका बेस। अगर हम लोग इस स्लोप को निकालना चाहें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। और इसी टर्म को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर में क्या आएगा? डिस्टेंस। और बेस में क्या आएगा? टाइम। क्या हो जाएगा? डी अपॉन टी। इज दिस क्लियर? इसी को हम लोग स्पीड बोलते थे ना। तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम लोग स्पीड बोलते हैं। और स्लोप बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी कोई दिक्कत? अब एक चीज देखना, मोर स्लोप
means more distance, more speed. Less slow means less speed. Is this clear? अब एक ऐसा ग्राफ है, अब बताओ इस ये ए और बी, ए और बी में दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? देखो स्लोप, इसी चीज को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये किसका बड़ा है? ये ए का बड़ा है या बी का? ए का है। ए का स्लोप ज्यादा है, ठीक है? किसका स्लोप ज्यादा है? ए का स्लोप ज्यादा है, तो स्पीड किसका ज्यादा होगा? सर ए का। ए का। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब बताओ इस ए और बी में दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है? बी फास्ट। हाँ, ए का स्लोप ज्यादा। यहाँ पे देखो इस तरह से कर लो, ये क्या थीटा है। अब यहाँ पे कर लो इस तरह से, ये क्या थीटा है? ये इसका बड़ा है या इसका बड़ा है? ए का। ए का, तो ए का स्लोप ज्यादा है, तो स्पीड किसका ज्यादा होगा? ए का। ए का। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड। स्पीड। स्पीड, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है? किसी कोई डाउट है? नो सर। एनीवन हैव एनी